से पहली क्लास की थी तो फर्स्ट क्लास में हमने एक ऑर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, याद है आपको? ऑर्स्टिड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? बाय एक्सीडेंट एक दिन ऐसा हुआ था कि कहीं पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ था, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल एक कंपास निडल रखी हुई थी, तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुए और डिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये पता चला था कि करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इस कंपास निडल पर क्या लगा रहा होगा? एक फोर्स, तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वहीं से हमें ये बात पता चल गई थी कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक, अब देखो बच्चों, दो चीज़ें हैं, एक तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके इसके चारों तरफ इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक, दूसरा ये कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दिया, तो बताइए जब मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखूंगा तो वहां पर कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे? तो आंसर है दो। कौन कौन से? एक तो हमने ये पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो तो हो गई, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहां पर मैंने ले जाकर इस कंडक्टर को रख दिया है ना, तो वहां पर कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो। एक इस कंडक्टर की वजह से जो बनता है वो इसका अपना वाला मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो मैंने एक बड़ी सी मैग्नेट ली वहां उसके बीच में ले जाकर रख दिया कंडक्टर को, तो इस मैग्नेट का अपना फील्ड। ठीक, तो वहां पर कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, किसके कंपैरिजन में? जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने रखा है, वहां पर वो ले जाकर इसको रखूंगा तो जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर देगा। कौन? जो स्ट्रांग वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि जो नेट इफेक्ट दिखेगा वो स्ट्रांग वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? तो थोड़ी देर के लिए आप एक चीज भूल जाओ या नेग्लेक्ट कर दो, क्या? कि करंट कैरिंग कंडक्टर का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखने वाले हैं। ठीक, और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे वहां क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो मेरा हाथ है इसको मैंने माना कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये मेरे हाथ में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको ले जाकर मैं ऐसे रख रहा हूँ। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको मैंने ले जाकर ऐसे रखा। ठीक, अब जैसे ही मैं करंट कैरिंग कंडक्टर का स्विच ऑन करता हूँ तो करंट फ्लो होने लगा उसमें, और जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैंने देखा ये कंडक्टर ऐसे आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसकी कैसे? आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? एक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? एक फोर्स। ठीक, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर करंट कैसा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट है तो मैंने ये देखा कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैंने देखा ये इसमें रखने पर पीछे की तरफ मूव करता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन मूव जरूर करता है, या तो फॉरवर्ड करता है या बैकवर्ड करता है, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिखाता है। ठीक, लेकिन ये मूव जरूर करता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? एक फोर्स। ये वाली बात ठीक है। मैंने एक चीज ये करके देखी है कि अगर ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ है ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? तो आंसर है नॉर्थ से साउथ। कैसी हुई बोलो? नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ये नॉर्थ ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक, अब कंडक्टर अगर इसमें ले जाकर ऐसा रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा होगा नॉर्थ से साउथ, और कंडक्टर ऐसा रखा तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई? डाउनवर्ड। तो ये एक दूसरे के कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। कैसे? देखो, ये नॉर्थ ये साउथ, कंडक्टर उसमें ले जाकर ऐसा रख रहे हो, अब कंडक्टर का जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे के अभी कैसे हैं बताओ? परपेंडिकुलर। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसा रखोगे
और तो और ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक, ये कह रहा हूं मैं। लेकिन मैंने एक चीज और करके देखी, मैंने सोचा ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसा करता हूं ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसको ऐसा रख देता हूं, इसके पैरेलल ऐसा रख देता हूं। तो मैंने सोचा ये ऐसे जाना शुरू करना चाहिए या ये ऐसा या ऐसा कुछ करना चाहिए, तो ये नॉर्थ ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, यहां पर रखा कुछ भी नहीं हुआ, ना ये इधर गया ना ये इधर गया, ना आगे ना ऐसा ना कुछ, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर सिर्फ कब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, कब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, तो आंसर है जब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल रखा होता है। कैसा रखा होता है? पैरेलल। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल ना रखा जाए और फिर बाकी का कैसे भी किसी भी एंगल पर रख दिया जाए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सबसे ज्यादा फोर्स मैंने ये देखा है कि वो कब एक्सपीरियंस करता है, जब वो कैसा रखा होता है उसके परपेंडिकुलर। कैसा रखा होता है? परपेंडिकुलर। मैक्सिमम फोर्स वो तब एक्सपीरियंस करता है, और सबसे कम या जीरो फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है? जब वो उसके कैसा हो जाता है? पैरेलल। ये वाली बात आई समझ में? तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये हमने सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फोर्स कैरिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डेमोनिस्ट्रेट करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये जो आपके सामने फिगर बना है ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का फिगर है। इस फिगर में हमने क्या क्या किया है उसको ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक मैग्नेट लगाई गई है, ठीक है, ये यू शेप मैग्नेट है। इसका ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल को दिखा रहा है और ये वाला एंड साउथ पोल को दिखा रहा है। क्लियर है ये वाली बात? कोई डाउट नहीं। सबसे पहला काम हमने बताओ क्या लिया? एक यू शेप्ड मैग्नेट। किस लिए क्यों ली? क्योंकि हमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड से एक वायर को लटकाया है, ठीक, ये एक जो वायर है ये कॉपर का वायर है, ओके। इस कॉपर के वायर को हमने यहाँ पर मरकरी के पूल में, ये यहाँ पर एक पूल है जैसे पानी का पूल होता है, वैसे ही मेटल में मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस फॉर्म में होता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में। तो उसका पूल बनाया जा सकता है। एक हमने ये छोटा सा एक मरकरी का पूल बनाया हुआ है, उसमें इस कॉपर के वायर को डाला हुआ है, ठीक है, ये पानी के, ये लिक्विड मरकरी का जो पूल है उसके अंदर है इसका थोड़ा सा पार्ट, ओके। फिर हमने क्या किया है, ये जो वायर है इसको हमने अटैच किया है, इसका एक एंड कहाँ से? बैटरी के एक टर्मिनल से, और जो दूसरा वाला जो एंड है वो वायर का ले जाकर हमने इस मरकरी के पूल में छोड़ दिया है, ठीक। तो इससे क्या होगा, अब कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया? ये देखो क्या है, कंडक्टर कॉपर वायर क्या है? कंडक्टर। मरकरी का पूल क्या है? एक कंडक्टर, ठीक, और ये क्लोज एंड कंटिन्यूस हमारा एक सर्किट बन के तैयार हो गया। तो इसमें से करंट इजीली फ्लो कर सकता है। किधर से किधर करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ऐसे करंट जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि आपने ये मरकरी का पुल यूज क्यों किया? सीधा ये वायर यहां पर अटैच करा देते। तो आंसर है कि अगर मैं ऐसा करता कि वायर का एक एंड यहां पर अटैच कर देता और वायर का दूसरा एंड यहां अटैच कर देता, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर मैं इसको रखता, ठीक, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता? एक फोर्स। ये आगे की तरफ भागता। जब ये आगे की तरफ भागता तो कौन कौन आगे की तरफ भागता? बैटरी और की, ये सब के सब आगे की तरफ भागते, क्योंकि इससे ये कैसे हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो मेरा पूरा रेंज आगे की तरफ भागेगा, पूरा अरेंजमेंट जो है वो सब आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे वो एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिससे फोर्स एक्सपीरियंस में किसका देख सकूं? सिर्फ वायर का, ना कि इनका। समझ आ रही है बात? तो अगर ये वायर आप डायरेक्टली ले जाकर यहां कनेक्ट कर दोगे तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, स्विच ऑन करोगे, ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या होगा, ये आगे की तरफ भागेगा, तो ये भी सारा अरेंजमेंट क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा। तो ऐसा मत हो, इसलिए हमने ये किया कि यहां पर बीच में एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है, ये मरकरी का पुल बना दिया है जिससे इसको करंट भी मिल जाए और जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करे तो सिर्फ ये फोर्स एक्सपीरियंस करे। ये वाली बात क्लियर है? ठीक।
ये हमारा अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया। जैसे ही बच्चों मैंने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने पर मैंने ये देखा कि ये जो वायर जो मरकरी के पूल में ऐसे था, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया और मरकरी के पूल से बाहर निकल कर आ गया। ठीक, समझ आ गई बात? बाहर निकल कर आ गया। जैसे ही ये बाहर निकल कर आएगा तो कनेक्शन खट कट गया। अभी कनेक्शन क्यों है? क्योंकि ये मरकरी के कैसे है, टच में है, समझ में आ रहा है? और जैसे ही ये बाहर निकल कर आएगा तो कनेक्शन हट जाएगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से क्या होगा, ये फिर से गिर जाएगा। उसमें क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस होना बंद हो जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस ये कब तक करेगा, जब तक इसको क्या मिलता रहेगा, करंट। क्या मिलता रहेगा, करंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है, लेकिन क्या नहीं होगा अगर ये बाहर निकल जाएगा मरकरी के पूल से, करंट नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो ये फिर से किस में गिर जाएगा, मरकरी के पूल में। जैसे ही गिरेगा फिर से क्या आ गया, करंट। फिर से क्या आ गया, बोलो, करंट आ गया। ठीक, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से क्या एक्सपीरियंस करने लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। ये वाली बात आ गई समझ में? तो इस तरह से ये रिपीटेडली करता रहेगा। ओके, अगर आप इसके टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देते हैं, तो अब इस केस में जो करंट मूव कर रहा होगा वो किधर कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो जो ये वायर एक्सपीरियंस करेगा वो अब रिवर्स डायरेक्शन में करने लगेगा। जो पहले आगे की तरफ आता था, अब मरकरी के पूल से बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। ये वाली बात क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको यही बात तो समझ आ रही है। क्या बात समझ आ रही है? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience a force. क्या experience करने लगता है? बस conductor को कैसा नहीं रखा होना चाहिए, वो magnetic field के कैसा ना हो, parallel ना हो, otherwise वो हर condition में हर angle पर क्या करेगा, एक force experience करेगा। ये वाली बात clear है? ठीक, तो Fleming ने कहा कि ये जो motion हो रहा है, जो वायर का जो मोशन हो रहा है, इस मोशन की डायरेक्शन को याद रखने का हम एक तरीका बना लेते हैं। तो उन्होंने ये तरीका बनाया बच्चों कि उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया, फ्लेमिंग ने अपना एक लेफ्ट हैंड रूल दिया कि अगर ये आपका लेफ्ट हैंड है तो इस लेफ्ट हैंड में आप अपना थंब, अपना फर्स्ट फिंगर और अपना सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को आपको स्ट्रेच करना है। किस तरह से स्ट्रेच करना है, सच दैट कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि तीनों एक दूसरे के साथ क्या बनाएं, 90 डिग्री का एंगल। तो अभी ये मेरा फोर फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, और ये थंब है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का। ठीक, अब ये मेरा जो सेंट्रल फिंगर है, ठीक है, ये मैंने इस तरह से करा आगे, अब ये यहां पर कितना एंगल बनाने लग गया, बोलो, इसको ऐसे दिखाता हूं, कितना एंगल बना रहा है, बोलो, 90 डिग्री। ठीक, ये और ये इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, सामने से देखो, बोलो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो सब जगह एक दूसरे के साथ ये कैसा बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को क्या करोगे, स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करोगे इस तरह से। कर लिया आपने स्ट्रेच, आपका थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर, ठीक है, ये कर लिया। अब वो ये कहते हैं कि अगर हमारा जो थंब है ना, ये थंब नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारा सेंटर फर्स्ट फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ये जो है थंब हमारा, वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन को, या हम कहें मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा। ठीक, तो इस फिगर को देखो ध्यान से, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। नॉर्थ से साउथ बन गया, ये ठीक बना। करंट किधर है हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारा करंट को दिखा रहा है, तो ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमारा जो कंडक्टर है वो किधर जाएगा, बोलो, कैसा जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको, तो ये किधर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो फिर से अगर हम इस तरह का अरेंजमेंट बनाएं कि हमारा थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को क्या कर लें, स्ट्रेच कर लें, सच दैट ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाए, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाए, तो थंब किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, बोलिए, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है,
अब मान लो करंट अपवर्ड हो जाए तो फ्लेमिंग कहते हैं बिल्कुल आसानी से पता कर लोगे, फर्स्ट फिंगर अभी भी किसको दिखा रहा है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। सेंट्रल फिंगर अब किसको दिखा रहा है बोलो, करंट को। करंट अब कैसा हो गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो मोशन है वो किधर दिख रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? तो ये जो हम डायरेक्शन है वो किससे बताएंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। कोई डाउट यहां तक बात आ रही समझ में, हमने कैसे किया? तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारा हुआ। अब बात ये बनती है बच्चों कि ये जो आप फोर्स एक्सपीरियंस, ये जो ये कर रहा है कंडक्टर, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? डायरेक्शन तो आपने बता दी कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे और बता देंगे कि भाई देखकर कि ये फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। ये डिपेंड किस पर करेगा, करंट डाउनवर्ड तो ये कैसा होगा, फॉरवर्ड, ठीक। करंट अपवर्ड तो ये कैसा होगा, बैकवर्ड, ठीक है ना। तो आपने डायरेक्शन तो बता दी, अब उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ कि फोर्स बनेगा कितना, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इस एक्सपेरिमेंट में कि अगर मैं यहां पर करंट की वैल्यू को बच्चों बढ़ा देता हूं, नंबर वन बात ध्यान से सुनना, किसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूं, करंट की वैल्यू को बढ़ा देता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि पहले ये अगर सपोज करो सिर्फ इतना जा रहा था, इतना आगे, ठीक, लेकिन करंट की वैल्यू को बढ़ाने के बाद ये इतना आगे जाता है, यानी कि अभी क्या ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स। तो जो फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। ये वाली बात आ गई समझ में? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, नंबर वन चीज। दूसरी चीज आपने ये की कि ये जो आपने मैग्नेट लगाई थी इससे बड़ी मैग्नेट लगा दिया आपने एक, तो आपने किसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर मैंने देखा अब ये और ज्यादा आगे जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक जो इसका जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो अब ज्यादा हो गया। तो फोर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर। दो चीजें हो गई आपके पास, बताइए करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फोर्स है वो आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो आंसर है करंट को बढ़ाकर इंक्रीज कर सकते हैं फोर्स को, या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर भी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तीसरी बात एक और है बच्चों, ये जो वायर है इस वायर की जो लेंथ है मैंने अभी माना 10 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन अगर मैं इस वायर की लेंथ को 20 सेंटीमीटर कर देता हूं तो मैं ये देखता हूं ये बड़े बड़े फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, इसका जो फॉरवर्ड मोशन हो रहा है वो और ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इसकी लेंथ के कैसा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी बड़ी लेंथ ऑफ वायर ली जाता है उतना ही बड़ा वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। इन्हीं तीन बातों को बच्चों हम नोट कर लेते हैं कि जो फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में वो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, और उन तीनों को हम इस तरह से लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन, फर्स्ट फोर्स हमने ये इस एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपीरियंस देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड बात हमने ये देखी है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और तीसरी चीज हमने ये देखी है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों पर। अब अगर इन तीनों को मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर यहाँ से मैं यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कॉन्स्टेंट टर्म यूज कर लूँ के, तो ये के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी आई एल बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल्स टू वन लिख लेता हूँ, तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, बी आई एल, ये ठीक है। एफ किसके इक्वल आ जाएगा, बी आई एल के इक्वल, ये इसका फॉर्मूला बन के एक तैयार हो जाएगा, ठीक है, एफ इक्वल्स टू बी आई एल। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपको फोर्स निकालना हो तो बताओ ये तीनों क्वांटिटी आपको पहले से पता होंगी या नहीं पता होंगी। मैग्नेटिक फील्ड आप ही तो लगाओगे तो वो आपको पता होगा, मैग्नेट जो आप यूज करोगे, करंट कितना दे रहे हो वो भी आप डिसाइड करोगे बैटरी लगाकर, और जितनी लेंथ ऑफ वायर लेकर चलोगे वो भी आप ही लेकर चलोगे, तो ये तीनों चीजें आपको पता होंगी। तो आप कितने न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो वायर आप पहले से बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एफ इक्वल है बी आई एल के, ठीक है। अब इसमें से जो फोर्स है वो उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो मैं यहां पर न्यूटन लिख देता हूं,
फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो आंसर है टेस्ला होती है। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, यही तो होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, ये तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया कहीं पर कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किस में करते हैं, टेस्ला में। उसकी एक छोटी यूनिट भी पढ़ी थी हमने, गॉस, याद है आपको। अब लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि 1 टेस्ला किसे कहते हैं, तो वो आप यहां से बनाओगे, कहां से बनाओगे, एफ इक्वल टू बी आई एल से, ठीक है। तो 1 टेस्ला अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको ये कितने न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए कंडक्टर को, बताओ। कब, जब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा हो, बोलो, 1 एम्पियर का, तो जबकि कंडक्टर की लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला, ठीक है। ये वाली बात आ रही है समझ में, तो यही 1 टेस्ला की हम डेफिनेशन बना लेते हैं। ये हमने यहां पर नोट की हुई है, क्या नोट किया है हमने, हमने ये नोट किया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला कब होगा, जब किसी कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और वो करंट कैरी कर रहा है कितने का, 1 एम्पियर का, एक्सपीरियंस अगर वो कर रहा है कितना फोर्स, 1 न्यूटन का, तो हम कहेंगे कि उसे कहां पर रखा गया है, 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, कहां पर रखा गया है, 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है। सो 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया, इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग करेंट ऑफ 1 एम्पियर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन द कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नीट्यूड, देन द कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है। ये आपको यहां पर लिखना होगा, और ये मैंने आपको यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखकर दिखाया है। इसमें सबसे पहले लिखा है स्ट्रेच द थंब, ठीक, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, ये सबसे पहले लिखा ऑफ लेफ्ट हैंड, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल क्लियरली परपेंडिकुलर है, ठीक। इफ द डायरेक्शन ऑफ इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर ये है, ये हमेशा किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। सेंट्रल फिंगर है, ये हमेशा किसको दिखाएगी, करंट को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये किसको दिखाएगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप बस करंट की डायरेक्शन को देख लिया करो, मैग्नेटिक फील्ड तो ये रखो, करंट को देख लिया करो कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बताता रहेगा कि कंडक्टर फोर्स, कंडक्टर के फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या रही होगी, ये आपको बताता रहेगा, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, बताइए, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो बताइए वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो आंसर है F इक्वल्स टू बी आई एल, ठीक। इस फोर्स की आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो आंसर है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, कौन से रूल से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो बता देगा हमें डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए हो गया, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए हो गया, डायरेक्शन को पता करने के लिए, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ओके। अब करंट कैरिंग का क्या मतलब होता है, करंट कैरिंग का क्या मीनिंग है, तो करंट कैरिंग का मीनिंग ये होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर ना कहकर थोड़ी देर के लिए ये कहना शुरू कर दें कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करने लगते हैं, फोर्स, क्या एक्सपीरियंस करने लगते हैं, फोर्स, है ना। तो कंडक्टर की जगह हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि करंट को, करंट एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, मैं करंट कौन है, करंट एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो हम ये कह सकते हैं कंडक्टर की जगह कि इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक ही बातें होंगी, ठीक। तो हमने कहा कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनका नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, बोलो, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम एक तरह का फोर्स और पढ़कर आए हैं, बताओ कौन सा फोर्स, बोलो, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल नाम रखो उसका, क्या नाम, इलेक्ट्रिक फोर्स,
इस बात का क्या मतलब था? इस बात का मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये भी तो कोई दूसरा मैग्नेट है ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेट किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो तब भी वो क्या का एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स, और उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो दोनों ही एक्सटर्नल हैं, आया ना। जब आप एक किसी टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, है ना, तभी तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये बहुत वीक होता है। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसा लेकर चलते हैं, बहुत वीक, है ना। ऐसे ही जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात आप जानते हो, बट जहां हम रखते हैं उसके कंपैरिजन में ये कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत वीक, है ना। तो जब भी एक हम करंट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये दोनों फोर्स बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, है या नहीं है? कैसे कह रहा हूं मैं ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सुनो ध्यान से, F इक्वल्स टू बी आई एल यहां पर लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, चलो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, करंट को हम कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं करंट इक्वल होता है क्यू अपॉन टी के, ये हमने कहीं पढ़ा है, और साथ में क्या चल रहा है, इनटू में एल, ये वाली बात ठीक है। अच्छा, अब बी ऐसे ही ठीक है, क्यू ऐसे ही ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम को हम पढ़कर आए हैं कहीं पर, क्या पढ़कर आए हैं बोलो, वेलोसिटी, क्या पढ़कर आए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बोलो, वेलोसिटी, है ना। तो बी क्यू वी, अब जो हमारा फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया, बी क्यू वी, ये ठीक। तो यानी कि किसी भी चार्ज पर, मैं अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये क्यू, इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स, और वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पर, किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पर। इस बात का मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने क्या बनाया, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता हुआ आ रहा है बड़े आराम से, ठीक, ये एंटर करने वाला है, इसमें देखना ध्यान से क्या करने वाला है, एंटर करने वाला है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा चार्ज, जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो क्या ये सीधा जाएगा या ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुछ इधर उधर भागेगा, बताओ। तो आंसर सीधा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जब भी एक चार्ज किस में रख दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो जैसे ये चार्ज अपने बिल्कुल आराम से सीधा जा रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स, तो ये इधर जाएगा या इधर मूव करेगा, किसी भी एक डायरेक्शन में करेगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे बड़ी क्लासों में, ठीक है। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, तो इसका मतलब इसकी क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन। अब ये जो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना ज्यादा घूम जाएगा, कितना ज्यादा झुक जाएगा इधर साइड में, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी तेजी से आ रहा था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, है ना। कम वेलोसिटी होगी, धीमे से अगर आ रहा है तो थोड़ा सा झुक जाएगा, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पाथ से, और अगर ये बहुत तेजी से आ रहा था तो बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पाथ में, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इस चार्ज की किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, तो उसकी कितनी स्पीड से वो एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है ये वाली बात, ठीक। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा था? अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की, जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है, किसी एक सोर्स चार्ज का मैंने ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये टेस्ट चार्ज रखा है इन्फिनिटी पर कहीं पर अभी, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे हम, तो हम ही तो ले जाते थे हाथों पकड़ कर ले जाकर और कहीं रख देते थे, है ना। तो जब इसको यहाँ पर ले जाकर रख दूंगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो या तो रिपल्सन का फोर्स होगा या अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो रिपल्सन होगा
अगर मान लो इसको वापस भेजना होगा तो ये ऐसा भेज देगा, अगर इसको अट्रैक्ट करना होगा तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अपने फील्ड में, ऐसे ही तो करेगा, ये इधर या इधर नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब, और दूसरी बात ये कि आप, मैं अपना, मैं इसको चार्ज को पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तेजी से ले जाऊं या धीमे से ले जाऊं, उससे इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो मेरे हाथ में है ना, इसको ले जाकर ही तो मैं रख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा क्या इलेक्ट्रिक फोर्स? तो आंसर है नो, नहीं करेगा। जबकि मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? उसकी वेलोसिटी पर। तो इन दोनों फोर्स का एक मेजर डिफरेंस बताइए मुझे क्या है। तो आंसर है कि जब एक जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर एक बात, मैग्नेटिक फोर्स को इस चार्ज पर कुछ काम करना पड़ता है क्या? बताओ। नो, कोई काम नहीं करना पड़ता। मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पर कोई काम नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पर एक काम करेगा। क्या काम करेगा? उसको डिस्प्लेस कराने का काम करेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और जबकि ये क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करा देगा, या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर लेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसको खींचने का या दूर भगाने का काम कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसको ना तो खींच रहा था और ना रिपेल कर रहा है। वो अंदर आ गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस तो करेगा, बट वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बस उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, केवल ये होगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मेजर डिफरेंस ये दो हो गए। पहला तो ये कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है चार्ज की, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं करता है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स को कोई काम नहीं करना पड़ता चार्ज के ऊपर, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स को उसको डिस्प्लेस कराने में कोई काम करना पड़ता है। तीसरी बात क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बहुत वीक होता है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में। तो आपने अभी तक कितने फोर्स पढ़ लिए बच्चों? ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था आपने, फिर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, और आपने अभी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया है ना। तो इनमें से जो हम वीक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फोर्स बहुत वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक, जितना कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, उतना ज़्यादा वीक है, बहुत छोटी वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में। तो जो ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज के मोशन के हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, तो अगर चार्ज का मोशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके ये वाला जो मोशन है ये कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर। मोशन मतलब फोर्स है ना। तो करंट अगर हमारा कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऐसा होता है ना, तो इसके ये कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होती है उसके ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में जो चार्ज होता है, जिधर चार्ज जा रहा है उधर ही डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये ऐसे बनाया इस तरह से, ठीक, और ये मान लो इधर चार्ज जा रहा था, टेस्ट चार्ज हमने यहां रखा, ठीक है ना। अब इसने मान लो इसको रिपेल करना है, तो ये अगर ये रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा इसको, ठीक है ना। अट्रैक्ट करना होगा तो उसी की डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेगा, यहां पर चार्ज रखा है, ठीक है नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि ये अट्रैक्ट और रिपेल जब करता है तो उसी की डायरेक्शन में हो जाता है। तो इस वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, जबकि इस वाले केस में फोर्स जो होता है वो कैसा होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो आप नोट कर लोगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय लेफ्ट हैंड रूल, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है बोलो, ऑलवेज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले से दिख रहा है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखा जाएगा उसके पास वेलोसिटी है या नहीं है, इस बात से कोई भी फर्क
नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पर है तब भी वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो मोशन में है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो नॉट डिपेंड ऑन या इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट लिख लेना। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है ना, वो तो अपने पाथ में जा ही रहा था, रास्ते में कौन मिल गया उसे, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने क्या किया, अपना बस पाथ चेंज हो गया। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है उसकी, किसको चेंज कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को, उसको मूव कराने का काम नहीं कर रहा है ना। तो अगर वो उसको मूव नहीं करा रहा मतलब क्या नहीं करा रहा, डिस्प्लेस नहीं करा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हुई, जीरो, तो वर्क कितना हुआ, जीरो। ये वाली बात क्लियर है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखते हो तो वो उस पर फोर्स लगाकर उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस करा देता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसको क्या कर रहा है, एक वर्क, क्योंकि वो उसे डिस्प्लेस कराने का काम कर रहा है। तो लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा था, वो तो पहले से ही चल के हुआ आ रहा था ना, तो उसको वो, अगर वो नहीं होता वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तब भी वो आता, वो तो सीधा जाता, उसे डिस्प्लेस कराने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। बस जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आया तो बस वो घूम गया, ठीक है ना। तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ गया, ये डिस्प्लेस नहीं करा रहा मैग्नेटिक फोर्स उसको, इसलिए हमने कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि वो कोई वर्क नहीं कर रहा, ठीक। तो बट ये वर्क करता है, उसको डिस्प्लेस कराने का काम करता है, तो ये वर्क करता है, डज वर्क ऑन चार्ज, ठीक है। ये बहुत वीक होता है, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख लोगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स सपोज करो 1 है तो ये 10^-25 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक होता है। ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के।